नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। वहीं इस महोत्सव का सभी वर्ग ने तहे दिल से स्वागत किया। प्राण प्रतिष्ठा के पहले हमारे सहयोगी ने लता चौक से लोगों से बातचीत की। लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये जो आप सामने खड़ाऊ देख रहे हैं, ये चांदी की खड़ाऊ है और चित्रकूट से चल करके यहाँ तक आई है। ये 5 दिन की यात्रा करके यहाँ आई है। चित्रकूट से प्रयागराज, सुल्तानपुर, अमेठी, नंदीग्राम आदि आदि स्थानों पर बीकापुर होते हुए ये यहाँ 5 दिन के बाद पहुंची हैं। ये चांदी की खड़ाऊ हैं और इसको यहाँ तक लाने में हमारे भारत भक्ति संस्थान के मालिक जो है अपने बाबा सत्यनारायण मौर्य और एकल अभियान के कार्यकर्ताओं ने अपना सहयोग किया है। बहुत सारे स्थानों पर इन चरण पादुकाओं का स्वागत हुआ है, पूजन हुआ है और नंदीग्राम में जो भरत मंदिर है वहां पर मंत्रोच्चार के साथ इनका विधिवत पूजन हुआ है। उसके बाद में यहां पर ये खड़ाऊ आपके सामने आई हुई है, जिन खड़ाऊ को आप देख रहे हैं। ये जो आप ताला देख रहे हैं, ये विश्व का सबसे वजनदार ताला है और सबसे बड़ा ताला है। इस ताले का वजन 400 किलो है, अर्थात 4 क्विंटल का ताला है। इसकी 2 चाबियां हैं, 15-15 किलो की एक चाबी है और अलीगढ़ से यहाँ तक आया है। अन्नपूर्णा भारतीपुरी जी के यहाँ से माँ बंगलामुखी मंदिर हरिद्वार के सहयोग से यहाँ तक पहुँचा है और ये राम मंदिर के लिए यहाँ विश्व हिंदू परिषद के माननीय चंपत जी को समर्पित किया गया है। ये पगड़ी आप किनको भेंट करने के लिए लाए हैं? ये जो बाहर से मेहमान आएंगे, जो बाहर से मेहमान आएंगे, ये पगड़ी है जो हमारे गुरुजी संदीपनी राम धर्म गोशाला जोधपुर से यहाँ मेहमानों को पहनाने के लिए, स्वागत करने के लिए लेके आए थे। और पहले 600 किलो घी लेके आए थे, वो भी राम धर्म गौशाला से लेके आए थे, जोधपुर से। जैसा कि आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये विश्व का सबसे वजनीला घंटा है, 24 क्विंटल का घंटा है और ये एटा से आया है। इसकी विशेषता ये है कि जब ये एक बार बजाया जाएगा, एक बार बजाने के बाद 5 मिनट तक और 5 किलोमीटर दूरी तक इसमें ओम की ध्वनि गुंजित होगी, जिससे हमारा अयोध्या धाम ओम की ध्वनि से गुंजायमान होगा। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे वजनीला घंटा आप देख रहे हैं। जय श्री राम। मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से और वहाँ अपना महासविता योग आश्रम है, सवितापुरम में है, महासविता योग आश्रम नाम से है और वहाँ से मैं आमंत्रित हूँ और भगवान के इस विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आया हूँ। जी हाँ, ये और भी पहले से लोगों के हृदय में दर्द था। जैसे मैं 82 में आया तो रो पड़ा और ऐसे जो भी आते थे बड़े दुखी मन से जाते, रो देते, रात में उनको नींद भी नहीं आती कि हमारा भारत स्वतंत्र हो गया है और फिर भी गुलामी का यह एक प्रतीक पड़ा हुआ है और हम प्रजातंत्र हैं, प्रजातांत्रिक देश है, वोट का अधिकार है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो बड़ी ग्लानी होती थी कि हम कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, कानून के वशीभूत हैं। कानून बिल्कुल एक एक आदमी को पंगु, कायर, लाचार बना दिया था। लेकिन यह पीड़ा उभरती गई और विश्व हिंदू परिषद का नेतृत्व मिला और पूज्य अशोक सिंघल जी जैसे क्रांतिकारी व्यक्तित्व मिले विश्व हिंदू परिषद को। बिल्कुल श्री हनुमान जी महाराज की उन पर कृपा थी तो उनके नेतृत्व में, विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में काम हुआ और बड़ी पीड़ाजनक कहानी है। लाठी डंडे, सारे उत्तर प्रदेश के कॉलेज, उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, सारे स्कूल कॉलेजों को जेल बना दिए थे और फिर वो कहाँ से खिलाएंगे? तो लोग घरों से खिलाते भी थे, पुलिस वाले भी छोड़ देते, कहाँ से खिलाएंगे पिलाएंगे। और फिर हुआ उस समय उस जो ढांचा था उस पर दो भाई थे कोठारी बंधु, चढ़ गए, हेलीकॉप्टर से गोली चली, मारे गए, बड़ी पीड़ा हुई। उसमें अखबारों में छपा कि सरयू नदी लाल हो गई है। मारे तो गए बहुत सारे लोग, लेकिन जब ये बात फैली तो लोगों का हृदय फट गया था।
और फिर अंत में 92 का भी समय आया, कल्याण सिंह की सरकार उसके बाद बनी रहनी चाहिए, लेकिन कल्याण सिंह एक बहादुरी का काम किए, फिर भी सरकार गिरी, जगह जगह की सरकारें गिरी और लड़ाई चलती रही, लेकिन लोग बड़े ही पीड़ा में थे, अत्यंत पीड़ा में थे। और अंत में आता है दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार आती है और लोगों के प्रयास से, अनुनय विनय से, दबाव से और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और फिर मार्ग प्रशस्त होता है और आज ये भी दिन देखने को मिलते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पहले क्यों नहीं आया? इसमें राजनीतिक संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी है वो साधुवाद की पात्र है, संत महात्मा किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं होते हैं, लेकिन जो अच्छा काम करता है उसकी प्रशंसा होगी ही होगी, वो आशीर्वाद पाएगा ही पाएगा। और तमाम सारे प्रधानमंत्री हुए, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संकल्प से, अपने कार्यों से अपना नाम अमर कर दिया। और हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, बिल्कुल ये तो लगता है कि इसीलिए अवतार लिए हुए हैं। मैं मेरे गांव के लोगों के साथ जब यहां आया, 4 तारीख के रात में आया मैं, और 5 तारीख के दिन पूरी अयोध्या घूमी, और उस दिन देखा, मुझे बहुत दुख हुआ कि राम जन्मभूमि पर एक ढांचा खड़ा हुआ है। फिर दूसरे दिन सवेरे 5 बजे शरीर ऊपर सभी भक्तगण स्नान करने गए, मैं भी स्नान किया, और उधर से आने के बाद 8 बजे आचार्य धर्मेंद्र जी की सत्संग सभा हुई, उसी में सब अयोध्या के कार्यसेवक जब वहां पर सम्मिलित थे। कम से 10 बजे के आसपास रैली शुरू हुई, उसमें कम से कम मैं मंदिर से कम 700-800 मीटर दूर होगा, स्टेज पर लालकृष्ण अडवाणी जी, साध्वी ऋतंभरा जी, उमा भारती जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ऐसे कई शेषाद्री जी जो आरएसएस के थे, ऐसे कई गणमान्य मन वहां पर थे। मैं छोटा होने के कारण मैं वहां पर उनकी सभा में सुन रहा था। मैं प्रभावित हुआ ज्यादा साध्वी ऋतंभरा जी के संभाषण से। माता जी, जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि राम जी का अस्तित्व नहीं है, राम जी पैदा नहीं हुए, ऐसे बहुत सारे लोगों के विचार आते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि ये हमारी जिस धरा पर हम बैठे हैं, ये पुरानी अयोध्या है या नई अयोध्या है? देखिए बहन, इसी विषय पर हमने अपने पीएचडी के थीसिस में काम किया था। तो ये जो अयोध्या है न नव्य है, ये तो पुरातन, और पुरातन ऐसे ही चली आ रही है। समय समय पर ध्वंस हुआ है और अस्तित्व पे संकट उत्पन्न हुआ, लेकिन पुनः नव निर्माण जो हुआ वो उस पहले से ज्यादा सुंदर हुआ। जब वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो उसके अंदर आता है कि उत्तर दिशा में अयोध्या जी के उत्तर दिशा में सरयू बहती थी, और जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है उत्तर दिशि वह सरयू पावनी, उत्तर दिशा में पावन सरयू की धारा बहती थी। उससे यह बिल्कुल सटीक प्रमाणित हो जाता है कि यहाँ पर पुरानी वही अयोध्या है, वही स्थान है, क्योंकि और किसी जगह कोई ऐसा शहर नहीं है जहां उत्तर दिशा में सरयू बहती हो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जहां पर रामलला का प्राकट्य हुआ, विक्रमादित्य जी के समय का एक चित्रण आता है कि जब राजा विक्रमादित्य आए और यहाँ पे घना जंगल था, तो उनको लगा कि क्या हुआ, तो एक गाय जो है वहां से निकल रही थी और जाकर के एक स्थान पर उसने स्वयं दूध विसर्जित किया, तो उनको बड़ा ताजुब हुआ कि दूध, गाय ने अपना दूध वहां किया है। तो
तो पता लगाया, जब वो स्वप्न में थे तब उनको स्वप्न में ज्ञान हुआ कि यहीं पर रामलीला की जन्मभूमि है, जिसको कि रोज गाय अपने दूध से सिंचित करती है। और जब खोदा गया तो अयोध्या का अस्तित्व निकला और यहाँ पर उन्होंने भव्य मंदिर का निर्माण किया। ये तो सबसे बात की बात है। इससे पहले कृष्ण जी आए और कृष्ण जी ने भी राम जी के मंदिर का पुनरुद्धार किया और उससे संबंधित जो शिलालेख हैं जमीन में लगे हुए हैं जहाँ भगवान की चरण पादुकाएं हैं, वहां पर उनके आना और पुनर्निर्माण कराने के चिन्ह हैं और लिखा हुआ है कि यहाँ का जीर्णोद्धार जो है कृष्ण जी ने कराया। अच्छा, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति वो भी बताती है कि अगर ये रामलला की जन्मभूमि ना होती तो फिर इस तरह का वातावरण नहीं होता। यहाँ लोग जो है बहुत संतोषी और बहुत सहनशील है, जो यहाँ का मुख्य रूप से रहने वाला है। जो बाद में आया बस गया वो तो अपने विचार लेकर के आया, लेकिन जो यहाँ रहता है उसका स्वभाव, उसका समर्पण अभी भी उसी तरीके का है जिस तरीके का हम लोग कल्पना करते हैं कि पुरानी अयोध्या में होना चाहिए। बड़े बड़े अधिकार लोग यहाँ छोड़ देते हैं बिना कोई शोर मचाए। कई लोग मिले, उनसे ये बात होती है कि आपके पास इतने खेत इतने मकान थे तो अब आप इतने परेशानी में क्यों रह रहे हैं। तो उनका कहना होता है, अरे जाने दीजिए, राम जी ने तो भरत जी को छोड़ दिया अयोध्या का साम्राज्य, और भरत जी ने राम जी के लिए उस साम्राज्य का उपभोग नहीं किया, हम लोग छोटी छोटी चीजों के ऊपर क्यों लड़े। तो ये अवध की जो संस्कृति है ये बताती है कि ये राम जी की ही संस्कृति है और ये वही है। लंका में भी इसी तरीके से भगवान राम जब लंका में थे और लंका को विजिट कर लिया तो विभीषण ने कहा कि आप आकर के देखिए लंका का सौंदर्य, लंका का स्वर्ण, लंका का वैभव भगवान नहीं कहे। वाल्मीकि जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, कहा है कि लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रुचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, माना कि लंका स्वर्णमयी है, स्वर्णिम है, बहुत धन दौलत है, वैभव है, लेकिन ये मुझको अच्छी नहीं लगती। मुझको अपनी जननी, अपनी जन्मभूमि, अपनी अवध, और अवध क्यों है, क्योंकि वहां किसी का वध नहीं होता है। अयोध्या क्यों है, क्योंकि यहां पर युद्ध करना, अनावश्यक युद्ध की परंपरा नहीं, इसलिए ये परम पावन धरा है जो राम जी की है। और आज तो भगवत कृपा से भगवान पुनः अपने एक लंबे समय के बाद पुनः अपने स्थान पर विराज रहे हैं। कल उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। इतना शुभ अवसर है कि ऐसा अवसर भगवान ने हम लोगों को चर्म चक्षुओं से देखने का अवसर दिया, ये उनकी हम बहुत कृपा मानते हैं। बहुत लंबे समय से हम लोग यही सोचते थे कि पता नहीं भगवान अपनी जगह विराजेंगे तब तक हम लोग होंगे कि नहीं। अनेक लोगों ने जिन्होंने आंदोलन में बड़ी शीर्ष भूमिका निभाई वो चले गए ये सोचते हुए कि हम देखते, लेकिन भगवान ने उनको अवसर नहीं दिया। हम बड़े किस्मत वाले हैं जिसको भगवान ने ये अवसर दिया। और आप लोगों ने इस अवसर को सब तरफ घूम करके कवर किया, आप लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हमें लगता है कि अयोध्या की जनता जितनी खुश है इस अवसर पर, वो तो आप लोग बाहर देख ही रहे। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारे मंदिर इस मंदिर। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। बेस्ट चैनल है श्री ब्रजमोहन सिंह साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरा खास, मेरी खास तवज्जो मांगना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग गायन जरूर बजाएं। प्लीज यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। वहीं इस महोत्सव का सभी वर्ग ने तहे दिल के साथ स्वागत किया है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले हमारी ब्यूरो हेड सपना चारण ने लोगों से खास बातचीत की, आपको भी सुनाते हैं। हमें महोत्सव हो रहा है और हम अयोध्या में इस वक्त मौजूद हैं सरयू नदी के किनारे। बहुत ही भव्य माहौल है, आप देख सकते हैं दुनिया भर के लोग यहाँ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, कल प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और इसी सिलसिले में यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अयोध्या में एक अलग सा माहौल है, क्या नाम है आपका सबसे पहले? प्रदीप, प्रदीप नाम है। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम बॉम्बे से आए हैं। तो क्या सोच के आए हैं आज आप यहाँ? राम जी की नगरी में आए हैं, क्या सोच के आएंगे, सिर्फ उनको लाना है, इसलिए वापस हम सब वहाँ से आए हैं। बहुत से लोग इसके खिलाफ भी बोल रहे हैं कि इतना बड़ा इवेंट बनाने की जरूरत है, उस पे क्या कहेंगे? अब बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, जिनको साथ देना है वो साथ देंगे। 500 साल पुराना इतिहास के लिए, 500 साल पुराना ये हुआ है तो आज बन रहा है, तो आज हम नहीं सेलिब्रेट करेंगे तो कब करेंगे? क्या लगता है आपको, किस तरह की आस्था, कैसा महसूस हो रहा है? आप सरयू नदी के किनारे बैठे, कैसा महसूस हो रहा है? आज हमें लग रहा है कि आज हमें किधर स्थान मिला है, ये हमारे आस्था है। इतने साल से हमें जो मिल नहीं रहा है तो आज मिला है। अगर राम जी इधर नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे? खुशी का माहौल है। आप भी कहाँ? आप भी मुंबई से? मुंबई। क्या नाम है आपका? गणेश। तो आप क्या कहेंगे आज के इस माहौल पे, कुछ अलग व्यू आपका है, कुछ कहना चाहेंगे अलग से? बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है बहुत। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने देश का सबसे बड़ा फेस्टिवल मनाया जा रहा है आज फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से लोगों में उत्साह है, लोगों में खुशी का माहौल है। राम उत्सव मनने जा रहा है, राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। सरयू नदी के किनारे से, अयोध्या से, मैं सपना चारण कैमरामैन रोहित के साथ अयोध्या। इस वक्त लता मंगेशकर चौक पर हम मौजूद हैं, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बहुत ही भव्य माहौल है यहाँ इस समय, लोगों की भीड़ लगी हुई है, चलने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ लगी हुई है। दुनिया भर के लोग यहाँ आए हुए हैं, सिर्फ भारत के ही नहीं, आपको बता दूं विदेश के भी, विदेशों से भी लोग यहाँ कल आ रहे हैं राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में। लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है, दीपावली जैसा उत्साह यहाँ लोगों में देखने के लिए मिल रहा है। आइए आपको कुछ लोगों से बातचीत कराते हैं। आपका क्या नाम है? सागर जी, अयोध्या से। अयोध्या से हमको बहुत अच्छा लग रहा है, अयोध्या में आकर, अयोध्या में घर है, हम बहुत खुश हैं, भगवान राम जी आ रहे हैं। एक बार जब जिला निवास हुआ तब देखा था, आज दूसरी बार देखा, बहुत खुश हैं हम। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? आदर्श सिंह, यही अयोध्या से जी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। राम जी की नगरी है जहाँ पर राम जी का मंदिर, इतना विशाल मंदिर जी, जी। तो विश्व भर में माना जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? उस पर बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे पूरा राममय हो गया है माहौल, पूरा शहादतगंज बाईपास से और यहाँ तक का बहुत अच्छे सजावट हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से? मैं अयोध्या वासी ही हूँ। अयोध्या के लोगों में खास तौर पर खुशी देखने को मिल रही है, अयोध्या के लोगों में इतना उत्साह है, लोग सड़कों पर निकले हुए, रात का टाइम है, मौसम में बहुत ठंडा है, लेकिन लोगों को यहाँ पर इस उत्साह को मनाने में इतनी आनंद मिल रहा है कि सब लोग रोड पे निकले हुए हैं। तो आप क्या कहेंगे? अयोध्या वासियों में एक अलग तरह का हर्षोल्लास है, कहीं ना कहीं से हमारे पूर्वजों का इसमें योगदान रहा है। 500 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद आज हम लोग ये दिन देखने के पा रहे हैं। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आज मैं अपनी आंखों से स्वयं राम भगवान जी को अयोध्या में आते हुए देख रहा हूँ। बस यही कहना चाहूंगा, राम भगवान जी की अयोध्या वापसी है और पूरे अयोध्या वासियों में एक अलग खुशी की लहर है। तो ये खुशी का माहौल है, सभी लोगों में खुशी नजर आ रही है, सब लोग बहुत यहाँ पर उत्साहित हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रात का टाइम है, मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगी एक बार कैमरा घुमाए और दिखाए कि लोगों में कितना उत्साह है, किस तरह से रोड पर लोग निकले हैं और रात के समय में यहाँ एक मेला जैसा लगा है, उत्साह का मेला जिसे हम बोल सकते हैं। अयोध्या पूरी सज चुकी है, राम जी का स्वागत हो रहा है। तो इन्हीं सब अपडेट्स के साथ हम लोग बताते रहेंगे आपको, अयोध्या की अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ साधना प्लस।
फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही, आपसे लेंगे विदा, नमस्कार।